नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 7 का दूसरा भाग है 102 का होल क्यूब। हमें इसको खोल के लिखना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, इसे हम ऐसे लिखेंगे कि क्यूब है तो क्यूब ही रहने देंगे, अंदर वाले नंबर को हम चेंज करेंगे। यह है 102, ये 100 के पास है, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया ए प्लस बी होल क्यूब। और हमें पता है, हमारे पास सरल समीकरण है, a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के। तो इसी सरल समीकरण का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारे पास है 100 प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है, अब यहां से देखो a किसके बराबर आएगा 100 के, b किसके बराबर आएगा 2 के। a का क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए। ए कितना है 100 इंटू बी, बी कितना है 2 इंटू बड़ी ब्रैकेट, ए कितना है 100 प्लस बी कितना है 2। आइए हम इसे हल करें। 100 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 2 जीरो का क्यूब मतलब 3 बार लिख दो 2 जीरो, प्लस 2 का क्यूब 2 दुनी 4 दुनी 8। कई बच्चे 2 का क्यूब 6 लिख देते हैं जो कि गलत होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2। प्लस इन तीनों को आपस में पहले गुना कर दो, 3 दुनी 6 गुना 100 600 गुना 100 प्लस 2 होता है 102। यदि आप इसे ना भी करो ना तो दूसरे तरीके से मैं करके आपको दिखा देता हूं। 100 प्लस 2 है ना, तो इसको 100 प्लस 2 ही रहने दो, ये भी एक तरीका है। देखो कैसे, 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 जब 100 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, 600 जब 2 से गुना होगा तो बन जाएगा 1200। अब इन चार रकमों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, एक के नीचे एक रख के भी कर सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं। मैं आपको सीधे करके दिखा रहा हूं। देखो, जीरो में इकाई स्थान प्लस कर दो, जीरो में 8 प्लस किया 8, 8 में 0 प्लस किया 8, 8 में 0 प्लस किया 8। दहाई स्थान में दहाई स्थान प्लस कर दो, जीरो में 0 प्लस 0, यहां कुछ है नहीं, जीरो में 0 प्लस किया 0, 0 में 0 प्लस किया 0। सैकड़ा स्थान में सैकड़ा स्थान, जीरो में 0 प्लस किया 0 प्लस 2 किया 2। हजार स्थान, जीरो में 0 प्लस किया 0 प्लस 1 किया 1। उसके बाद 10,000 स्थान, 0 प्लस 6 प्लस, यहां कुछ नहीं है 6। उसके बाद लाख वाला स्थान, 0 यहां है नहीं, और 10 लाख वाला स्थान। अगर आपको ये ऐसे ना करना है तो आप एक के नीचे एक रख में लग के इनको प्लस कर सकते हैं, और हमारे पास जो 102 का होल क्यूब का मान आया है वो आया है ये। तो यही इसका उत्तर है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया, और अगर अच्छे से समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।